अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ अहमद लियाकत चिन्योट फर्नीचर आर्ट की जानिब से आपके लिए एक बहुत ही कमाल का न्यू डिज़ाइन का बेड लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बेड का मुकम्मल रिव्यू दूंगा। अब बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज की वीडियो आपने कहीं से भी स्किप नहीं करनी। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा बेड है। ये ऊपर इसका बड़ा पल्ला है और नीचे छोटा पल्ला है। ये देखें, इसके ऊपर कोके वगैरह लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले इसका ये ताज है, ये सारा हाथ से कार्विंग करके मुनव्वत करके बनाया हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये अभी इस फाइल लगी हुई है इस पर, इसलिए ये थोड़ा सा ना आपको ऐसे नज़र आ रहा है। कलर वगैरह किया हुआ है इस पर। ये इस तरह इसकी कलसी लगी हुई है, खराद करके लगाई गई है कलसी, कोल कलसी लगी हुई है। नीचे ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी हाथ से मनोबत किया हुआ है। उसके बाद ताज के नीचे ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला डिज़ाइन जो है, ये भी बारीक मनोबत की गई हाथ से। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कितनी बारीक मुनव्वत और कितनी सफाई से मुनव्वत की गई है इस पर। ये तो दरमियान में थोड़ी सी सफाई लगी हुई है। सो फ्रेंड, ये इसके नीचे आपको ये देखें नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे डब्बे से बने हुए हैं, इसके ऊपर कोके लगे हुए हैं। ये इसको फर्नीचर की लैंग्वेज में इसको टुकड़ी कहते हैं, और ये इसी की वजह से इसको टुकड़ी वाला बेड कहते हैं। देखिए, बहुत ही नफासत से लगाए गए हैं और ये सफाई लगी हुई है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये बुरा पड़ा है इसके ऊपर। ये सफाई के दौरान ये घेरते हैं, देखें इसके ऊपर लगाते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ना गंदा गंदा आपको नज़र आएगा। ये देखें, एक टुकड़ी इधर लगी हुई है, ये देखें ये खराद करके साइड पे पावा लगाया गया इसका। देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही नफासत से काम किया गया। ये दरमियान में तीन दिल्ले लगे हुए हैं इसके, दो साइडों पे सीधे लगे हुए हैं और एक इस तरह लगा हुआ है, दरमियान में सालट पट्टा लगा हुआ है। बॉर्डर भी मुनव्वत की गई है, ये देखें ये बॉर्डर है इसका, बहुत ही सफाई से काम किया गया। ये सालट पट्टा लगा हुआ है दरमियान में। ये इसका छोटा पल्ला है, पवंदी जिसे कहते हैं, इस पे भी उसी तरह ऊपर से बॉर्डर पे कार्विंग की गई है, नीचे टुकड़ियां लगी हुई हैं, उसके ऊपर कोके वगैरह लगे हुए हैं इसी तरह जिस तरह बड़े पल्ले पे थे। ये देखें, आपको मैं इसका भी क्लोज दिखा देता हूँ। ये देखें, इस पे भी बड़े पल्ले की तरह सफाई वगैरह लगी हुई है, ये बॉर्डर पे कार्विंग की गई है, दरमियान में इसके भी सालट पट्टा लगा हुआ है, उसका बॉर्डर पे भी जो है मुनव्वत वगैरह की हुई है। ये देखें, ये इसका पावा है, ये देखें ये भी खराद करके लगाया हुआ है गोल। सो फ्रेंड, ये इसकी टेबल है, ये ऊपर ये चार टुकड़ियां लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये देखें कोके लगे हुए हैं, ये इसका दराज है, दराज के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये इसका बॉर्डर है, बॉर्डर पे ये जो था ना बेड से अलग किस्म का ये मुनव्वत करके डिज़ाइन बनाया गया, थोड़ा सा चेंज है ये उससे। ये देखें, मैं आपको इसके दराज खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इस पर गोली वाला अच्छे वाला चैनल लगाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, नीचे इसके ऊपर इसके दो एक दराज है, ये जो टुकड़ियाँ लगी हुई जिसपे नीचे दो ताकड़ी हैं, इसकी खिड़की वगैरह विंडो वगैरह जो भी होता है। इस साइड पे ये इसका पावा लगाया गया खराद करके, देखें ये इसकी टॉप है, ये इसकी टॉप है, मुकम्मल सालट है, ये शीट वगैरह का इस्तेमाल नहीं है। और साइडों पे इसकी शीट लगी हुई, देखें ये बॉर्डर लगा हुआ है, कार्विंग की हुई है, और ये सारे जो साइडें हैं इसकी, ये सारी शीट लगी हुई है इस पर। सो फ्रेंड्स, अब ये इसका ड्रेसिंग है, इसके ऊपर तीन दराज लगे हुए हैं,
उन पे वो आपको नज़र आ रहा है कोके वगैरह लगे हुए हैं। नीचे एक इस तरफ और एक इस तरफ ताकड़ी है और दरमियान में स्टूल रखने की जगह है। मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ। जी देखें, ये इसकी इस साइड वाली दराज है, इसके ऊपर तीन टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, कोका लगा हुआ है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखें, इस पे भी अच्छे वाला चैनल लगा हुआ, गोली वाला। इसके ये पावा भी खराद करके लगाया गया, ये देखें। इधर स्टूल रखने की जगह सामने आपको इसकी बैक पे शीट लगी हुई है, वो नज़र आ रही है। ये इसकी बैक पे शीट लगाई गई है, बैक पे और साइड पे। ऊपर इसकी जो टॉप है वो मुकम्मल सालट है, ये देखें, ये इसकी सारी टॉप सालट है और इसके बॉर्डर पे देख कार्विंग की गई है हाथ से। ये देखें माशाल्लाह, बेड हमारा ये चिन्यौर में टुकड़ी वाला बेड बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा ये चलता है, बहुत ज़्यादा इसकी वर्क है। देखिए हमारे सामने तीन सेट ये पड़े और एक सेट जिसके मैंने आपको दिखाई है। माशाल्लाह बहुत काम है इसका, बहुत अच्छा काम किया जाता है इस वर्कशॉप में भी। हमारा सारा काम अभी भी इस पर वर्क हो रहा है, थोड़ा सा अभी ये से मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा इस पर वर्क रहता है अभी, बाकी मुकम्मल हो गए हैं। फ्रेंड्स ये इसका जो है ड्रेसिंग के ऊपर जो लगता है फ्रेम है शीशे वाला, ये ऊपर इसका ताज बना हुआ है जिस तरह मैंने आपको हेडबोर्ड पे दिखाया। पहले ऊपर ये ताज है, ये हाथ से कार्विंग की गई है। उसके नीचे ये बॉर्डर है, ये भी हाथ से कार्विंग की गई है। और उसके नीचे जो ये है बारीक कढ़ाई की गई है, ये भी हाथ से मुनव्वत की गई है। इस पर भी सफाई लगी हुई है, बिल्कुल साफ इसका व्यू नहीं आ रहा। इस तरफ इसके भी कलसी लगी हुई है, इसी तरह से टुकड़ी लगी हुई है। टुकड़ी भी मैंने अभी आपको बताया, काम इसका कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल कंप्लीट है, मतलब अभी सिर्फ इसके कोके वगैरह नहीं लगे। इसके ये साथ इधर सारा आमतौर पे खाली होता है, मुकम्मल सादा सा होता है, लेकिन इन्होंने इधर खराद करके बहुत ही प्यारा करके इधर इसका पावा लगाया गया लगाया है। देखें बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। दरमियान में इसके मिरर आ जाता है, शीशा जिसे आप कहते हैं, और ये ड्रेसिंग के ऊपर लग जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा बेड सेट, मैंने आपको इसका बेड दिखाया, ड्रेसिंग टेबल, और वो मैंने आपको उसका फ्रेम वगैरह दिखाया। फ्रेम थोड़ा सा उस पर बस कोके नहीं लगे हुए थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा बेड सेट। अब हमारे पास वर्कशॉप के ऑनर अहमद भाई मौजूद हैं, हम इनसे बेड का मालूम ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक है। भाई बताएं, इस बेड की जो आपने प्राइस रखी है वो कितनी रखी है? इसकी प्राइस हमने रखी है 55,000 और बगैर पॉलिश के 55,000 इन्होंने बेड की प्राइस रखी है। तो भाई अब बता दें हमारे व्यूवर्स के लिए आपने क्या डिस्काउंट रखा है? इंशाल्लाह उनके लिए कर लेंगे 5-10% उन्हें इंशाल्लाह दे देंगे डिस्काउंट। तो भाई आपके सामने भाई ने हमारे व्यूवर्स के लिए जो हमारे चैनल के थ्रू हमारे चैनल के लिंक से इनसे रब्ता करेगा, भाई ने उनके लिए बड़ा 10% का बहुत बड़ा डिस्काउंट रखा है। तो भाई अब बता दें हमारे व्यूवर्स जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है, तो इसमें लकड़ी कौन सी इस्तेमाल की गई है और आपको ये बेड बनाने में कितने दिन लगे, क्योंकि मुकम्मल हाथ से बेड बने, तो बताएँ इसको बनाने में कितने दिन लगे? बनाने में हमने इसके साथ और बाकी तीन सेट मुकम्मल बनाए हैं, इसमें बनाने में तकरीबन 15 दिन लग गए हैं। और इसमें हमने शीशम की लकड़ी इस्तेमाल की, भाई ने जाहिर है शीशम की लकड़ी इस्तेमाल की है, और इन्होंने 4 सेट बनाया मुकम्मल, मैंने आपको दिखाए हैं अंदर पड़े हुए हैं। तो 4 सेट बनाने में इन्हें 15 दिन लगे हैं। ये बता दें इस बेड को चिन्यौर में किस नाम से मशहूर है, किस नाम से इस बेड को जाना जाता है? इस बेड को हम टुकड़ी वाला बेड कहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर टुकड़ियाँ लगी हुई हैं, तो इसलिए इसको टुकड़ी वाला बेड कहा जाए। तो इसको टुकड़ी वाला बेड कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।